वनों का महत्व। सच बात तो यह है कि संसार के समस्त प्राणियों का जीवन वनों पर ही निर्भर है। पेड़ पौधे ही जीवन का आधार हैं। मनुष्य अन्न, फल और शाक भाजी खाते हैं। ये सब वस्तुएं पेड़ पौधों से मिलती हैं। मनुष्य दूध और दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करता है। दूध गाय भैंस से मिलता है। गाय भैंसें पेड़ पौधों की पत्तियां, फली आदि का सेवन करती हैं। जब हम श्वास लेते हैं तब शुद्ध वायु को अंदर ले जाते हैं और निश्वास के साथ अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। वृक्ष और पौधे सूर्य के प्रकाश में पत्तियों की सहायता से अशुद्ध वायु से अपना भोजन बनाते हैं और शुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। रात में ये शुद्ध वायु को अंदर लेते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार वन जीव जंतुओं के लिए वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि वन न हो तो सारा वायुमंडल अशुद्ध हो जाए और शुद्ध वायु के अभाव में समस्त प्राणियों का अंत हो जाए। वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। वर्षा से हमें पीने तथा सिंचाई करने के लिए जल उपलब्ध होता है। पानी के बिना कोई जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। यहाँ तक कि स्वयं पेड़ पौधे भी वर्षा के अभाव में जीवित नहीं रह सकते। वृक्ष की प्रत्येक शाखा एक रसायन शाला है, जहाँ प्रत्येक पत्ती रात दिन काम में लगी रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें भूख मिटाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र तथा श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा पेड़ पौधों से ही मिलती है। ये पेड़ पौधे वनों का ही अंग हैं। वनों की महत्ता को दर्शाने वाली एक कहानी इस प्रकार है। एक व्यापारी राजमार्ग से जा रहा था, साथ में उसके कुछ सेवक भी थे। व्यापारी ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आम का पौधा रोप रहा था। बुढ़ापे के कारण उसके हाथ कांप रहे थे और गर्दन हिल रही थी। व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह वृद्ध के पास गया और पूछा, बूढ़े बाबा, आप कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं। आज हैं, कल का भरोसा नहीं। इस उम्र में यह पौधा लगाने का प्रयत्न कर रहे हो? क्या इसके फल तुम खा सकोगे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, श्रीमान, जिन वृक्षों के फल मैंने खाए वे मैंने नहीं लगाए थे। जो वृक्ष मैं लगा रहा हूँ उसके फल मेरे बेटे पोते खाएंगे। यह आवश्यक नहीं है जो पौधा लगाए वही उसके फल भी खाए। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर हैं। बूढ़े आदमी का उत्तर सुनकर व्यापारी बड़ा खुश हुआ। उसने वृद्ध को पुरस्कार दिया और अपने नगर में जाकर स्वयं पौधे लगाने का निश्चय किया। उसने अपने सेवकों को भी पौधे लगाने के लिए कहा, क्योंकि पौधे लगाना परोपकार का काम है। वास्तव में पेड़ पौधे मानव जाति की धरोहर हैं। अनादिकाल से उन्हें एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को सौंपती आई है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए यह धरोहर छोड़ कर जाए। वनों के महत्व को स्वीकार करते हुए आज के युग के वृक्षों को हरा सोना कहा गया है। सुनहरा सोना खान से खोद कर निकाला जाता है, किंतु हरा सोना खुली खान है। यदि लोभ के कारण इसको शीघ्रता से लूटा जाएगा तो हम स्वयं लुट जाएंगे। पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना निसंदेह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। यदि देश का प्रत्येक नागरिक, बूढ़ा, बच्चा और जवान इस पुण्य कार्य में हाथ बटाए, नए नए वृक्ष लगाए और उन्हें पाले तो धरती पर नंदन वन बन सकता है। वास्तव में वन हमारे जीवन का आधार हैं। वृक्षों में हमारा जीवन निहित है। आओ हम सब मिलकर
इस शुभ कार्य में जुट जाने का संकल्प लें और निश्चय करें कि एक पेड़ काटेंगे तो दो पेड़ लगाएंगे।